हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 कॉन्सेप्ट के साथ, ये उसी का एक भाग है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिएगा उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा समझ में। तो यहाँ प्रीवियस ईयर चल रहा है और जिसको फाउंडेशन से पढ़ना होगा, जीरो से पढ़ना होगा, वो मैथ मस्ती के ऑफिशियल चैनल पर जाकर, यानी मैथ मस्ती ऑफिशियल पर जाकर वहाँ पर हर चीज़ क्लियर कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983। यानी कि एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, जब भी आगे आपको सिंस या फॉर शब्द का इस्तेमाल हो तब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले इसको परफेक्ट भी बनाना होगा और कंटिन्यूअस भी बनाना होगा। तो रूल यहाँ से निकल के आया, यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर वाक्य में आगे सिंस फॉर और प्लस टाइम हो तो जनरली आप उससे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर सिंस फॉर आगे और उसके बाद टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, दूसरा कोई टेंस नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, इस पार्ट और इस पार्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं, ये तो कंटिन्यूअस है ही, बस इसको आप परफेक्ट बना दीजिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने का तरीका होता है, सब्जेक्ट, यहां हम लिख भी देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, और उसके बाद कंटिन्यूअस है तो वी वन प्लस आईएनजी, और जो भी हो सकता है उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद आपका टाइम होता है। यानी टाइम का मतलब होता है समय, कहां सिंस आएगा कहाँ फॉर आएगा, तो उसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहाँ सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ होगा सी हैज बीन, यानी इसका ए पार्ट में एरर था और उसमें होता सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983, यानी कि वह यहाँ पर 1983 से काम कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नो सूनर डिड ही सी स्लैश द ट्रैफिक पुलिस स्लैश ही वोर सीट बेल्ट। इसका मतलब होता है, जो ही वह पुलिस को देखा, ट्रैफिक पुलिस को देखा, वह झट से सीट बेल्ट लगा लिया, यानी कि सीट बेल्ट पहन लिया। जनरली आप लोग करते होंगे, ऐसे नहीं पहनते होंगे, और जब पुलिस वगैरह के चलान के डर से आप लोग पहन लेते होंगे। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी, ये कल भी हम बताए थे कि नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करते हैं। एक इरर यहाँ से इस प्रकार पूछेगा कि नो सूनर के बाद देन का ही प्रयोग करना है, दूसरा पूछेगा बात कि नो सूनर के बाद या तो डिड आता है और नहीं तो हैड, दूसरा कोई नहीं आ सकता है, यानी कि दूसरा कोई टेंस नहीं आ सकता। इसका कारण ये है कि ये दोनों काम होता है पास्ट में। अब जब पास्ट की दो घटना एक साथ हो तो पहले वाले को परफेक्ट में और बाद वाले को इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। अगर डिड होगा तो इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, अगर हैड होगा तो इसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैव हैज या हैड के बाद आप हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, और डू डज और डिड के बाद आप हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, और यहाँ पर होना चाहिए देन ही वोर सीट बेल्ट। ये वोर का वियर का वी टू बनाया हुआ है, वियर वोर। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यानी माधुरी दीक्षित के पास बहुत ही बड़ा लार्ज फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पर ए पार्ट में इधर हैव का मतलब समझते हैं, हैव का तीन मतलब होता है, समझिएगा हैव का कितना कितना मीनिंग निकलता है। अगर हैव का
मीनिंग पोसेशन का बात करेगा, यानी कि अधिकार का बात करेगा। जब आपके पास कोई चीज अधिकार होगा तब आप इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर हैव का मीनिंग, इसी हैव का मीनिंग अगर ईट हो, यानी कि खाना खाना या इंजॉय करना, मजा मारने के सेंस में हो, तब आप इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर बोल रहा है माधुरी दीक्षित के पास बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग है, माने आपके पास एगो किताब है तो क्या बनाते हैं, आई हैव अ बुक। वहाँ पर होता किस कारण से है, क्योंकि वहाँ पर पोसेशन का बात करता है, अधिकार का बात करता है, इसीलिए वहाँ पर आई हैव। अगर ईट का बात करेगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए हैज, क्योंकि माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज, ये हैव है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अगर इसी का ईट और इंजॉय का होता तो लिखते आई एम हैविंग माय डिनर, यानी कि मैं अपना भोजन ले रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो ये ठीक एग्जांपल है, क्योंकि आई एम हैविंग माय डिनर हो रहा है। या इसी को कर सकते हैं स्टूडेंट्स आर Having the party, इसका मतलब हो गया कि जो विद्यार्थी लोग है पार्टी को इंजॉय कर रहा होगा है। यहाँ पर खाने की बात हो रही है और यहाँ पर इंजॉय होने की बात हो रही है, तो खाने और इंजॉय के सेंस में आप हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकार वाला बात में नहीं कर सकते हैं। ये हैव का एक कॉन्सेप्ट था, आपको समझा दिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मगर हम फिर भी ले लिए हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, यानी कि मेरा मकसद था कॉन्सेप्ट समझाने का, समझने का प्रयास करिएगा। जब कभी भी हैव, हैज, हैड हो या फिर वाज या वर हो, तो इसके बाद आप हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब थ्री से पहले एगो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्ब टू से पहले कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। या तो इसको कर दीजिए, आप यहाँ पर कर दीजिए, इसका हम यहाँ लिखते हैं, या तो टू को डायरेक्ट कर दीजिए। अगर हैव हैज लिखना चाहते हैं तो हैव हैज के बाद आप वर्ब का तीसरा रूप दीजिए, क्योंकि टेक का भी टू बनता है, टेक का बनता है टूक, इसका वर्ब थ्री बनता है टेकन। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए था कि हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, न कि वी टू का प्रयोग करते हैं, और वी टू से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्रीज, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा पार्ट नंबर ए बी सी में गलत है, यहाँ पर पोएट्रीज नहीं पोएट्री होना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, कुछ शब्द ऐसा है ना जिसका आप पुर्लन नहीं बना सकते, पोएट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, फर्नीचर हो गया, और भी बहुत सारा शब्द होता है। जनरली जितना शब्द लिखे हैं उसका पुर्लन नहीं बनता है। पोएट्री का मतलब होता है कि जो पोएट वगैरह जो कहानी लिखता है, जो भाषा लिखता है, उसको कहते हैं पोएट्री। और सीनरी का मतलब होता है दृश्य, जैसे बहुत फेमस बनता है इससे भी क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ पटना इज बेटर देन, कुछ भी कर सकता है, या द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली, इस तरह से रहता है। अब यहाँ समझने की बात है कि द सीनरीज कर देगा वहाँ पर, तो वहाँ सीनरीज नहीं हो सकता है, वहाँ सीनरी होगा, क्योंकि ये सब शब्द का पुर्लन नहीं बनता है। पोएट्री, सीनरी, लगेज का मतलब होता है जो आपका सामान वगैरह हो गया, बैगेज भी कहीं ना कहीं वही सेंस देता है। अब है क्रॉकरी, क्रॉकरी का तो मतलब जानते हैं, जो भोजन बनाने की सामग्री होती है, यानी जो बर्तन वगैरह होता है उसको कहते हैं क्रॉकरी। पुलिस, क्या एगो पुलिस को, अगर हम पुलिस हैं तो क्या टोटल मिलकर हम अकेले पुलिस हो सकते हैं, नहीं। इसका अगर सिंगुलर बनाइएगा यानी एक पुलिस का बात करिएगा तो पुलिस मैन ये लिखते हैं,
अगर हम सिंगल पुलिस हैं तो यहाँ होगा पुलिस मैन, मगर पुलिस कभी भी एक व्यक्ति को नहीं बोला जाता है, वो बहुत सारा समूह को होता है। और ये सब समूह जनरली ये सब शब्द समूह में ही होता है। फर्नीचर, एक टेबल को आप फर्नीचर नहीं कह सकते, बहुत सारा सेट रहेगा उसको आप फर्नीचर कहते हैं। जनरली ये सब ऑलरेडी प्लुरल ही होता है, इसीलिए इसका फिर से प्लुरल नहीं बनाया जा सकता था। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पोइट्री और सीनरी ये दो को बहुत ही आपका पूछेगा कि द सीनरीज करके भी पूछ सकता है, तो ये सब का प्लुरल नहीं बनता, ये भी क्लियर हो गया होगा। लिखा हुआ है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले, ये बहुत ही आसान पकड़ भी सकते थे। यहाँ था जीरंड और यहाँ था इन्फिनिटिव। जीरंड इन्फिनिटिव का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जब भी 2+V1 नजर आए, यानी कि वर्ब 1 से पहले अगर 2 नजर आए तो उसको बोला जाता है इन्फिनिटिव बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी V1 में अगर ING जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है जीरंड, याद रखिए। यहाँ पर थोड़ा और बता देते हैं, अगर यही V1+ING से पहले कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो वर्ब का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और जब जीरंड का काम करेगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये बात एकदम खोपचा में दिमाग में याद होना चाहिए। और याद रखिएगा, जनरली कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ का होता है। अगर हम इस मार्कर की कंपैरिजन करें तो दूसरा और मार्कर से करेंगे कि ई मार्कर सबसे बेस्ट है, न कि मार्कर का कंपैरिजन कलम से कर सकते हैं, कॉपी से कर सकते हैं। मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से ही होगा, मनुष्य का कंपैरिजन मनुष्य से ही होगा, कुत्ता का कंपैरिजन कुत्ता से ही होगा, जानवर का कंपैरिजन जानवर से ही होगा। और कंपैरिजन करने का मतलब तुलना। और याद रखिएगा, जिरंड का कंपैरिजन जिरंड से होगा, इन्फिनिटिव का कंपैरिजन इन्फिनिटिव से होता है। बस वही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर था जिरंड तो यहाँ भी होना चाहिए जिरंड, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों का होता है। तो यहाँ टू प्ले नहीं बहु होना चाहिए था प्लेइंग। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में समझाना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विथ अस, यानी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ का मतलब साली भी होता है और भाभी भी होता है, तो मेरी जो भाभी है जो कि दिल्ली में रहती है अब हम लोग के साथ रहने आ रही है, इसका ये मतलब होता है। इसका पार्ट ए में इधर है, समझने का प्रयास करिएगा। जब भी कंपाउंड नाउन इसको बोला जाता है तो कंपाउंड नाउन आपको याद नहीं रखे हैं, सिस्टर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, इन लॉ वाला कहानी है, फादर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, तो ये सब का जब आप प्लुरल बनाते हो ना बालक, सिस्टर ब्रदर मदर फादर का जब प्लुरल बनाइएगा तो लॉ का प्लुरल नहीं बनता है, उसमें जी मेन पार्ट होता है, यानी कि सिस्टर इन लॉ में हमार मेन पार्ट है सिस्टर, तो हम सिस्टर का प्लुरल बनाएंगे। मदर इन लॉ में मेन पार्ट है मदर, तो हम मदर का प्लुरल बनाएंगे। और इसका प्लुरल बनाएंगे तो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ, इसका प्लुरल बनाएंगे तो बनेगा मदर्स, क्योंकि मदर का प्लुरल बनाना है मदर्स इन लॉ। फादर का बनाइएगा तो बनेगा फादर्स इन लॉ। अगर आप ब्रदर का बनाइएगा तो बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। तो ये प्लुरल बनाने का तरीका होता है, नाउन चैप्टर का होता है कि जो मेन पार्ट है ना बहू उसका प्लुरल बनाइए, न कि जो ऑन्ट संट दिया हुआ है उसका प्लुरल बनाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। पूरी क्वेश्चन को देखते हैं, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली, इसको देखने का तरीका ध्यान रखिएगा। एगो फ्रेज होता है ए ग्रेट मेनी, या होता है अ गुड मैनी, ये एगो फ्रेज होता है बहु, एकर अर्थ होता है मेनी यानी कि बहुत सारा, मेनी हो या ऑल हो या सम हो, इस सब के बाद आप प्लुरल नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन जब भी आएगा इसके बाद प्लुरल आएगा और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी आप किस चीज़ का प्रयोग करते हो, प्लुरल का प्रयोग करते हो। तो पहला पार्ट में था ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट, यानी बहुत सारा, ए ग्रेट मेनी का मतलब होता है, या ए गुड मेनी का मतलब बहुत, तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हैव आपका
ठीक है, यानी कि एक ग्रेट बहुत सारा विद्यार्थी है ना जो सक्सेसफुल्ली डिक्लेयर्ड कर दिया गया, यानी कि करने का काम अपने का अपने से नहीं होगा, किसी दूसरे से होगा। इसीलिए देखिएगा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पैसिव वॉइस का तरीका होता है पकड़ने का, बी का एक फॉर्म होगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा। जो भी विद्यार्थी का अगर वॉइस का बेसिक क्लियर ना हुआ होगा, वॉइस में डाउट होगा, तो मैथ मस्ती ऑफिशियल पर जाकर चेक कर लेगा, सारा बात वहाँ पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। चलिए बहु इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़ा प्यार से, बहुत ही प्रोनाउन चैप्टर का क्वेश्चन है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या डैट से जुटे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोला जाता है बहु, रिलेटिव प्रोनाउन यानी किसी को रिलेट करने आएगा, किसी को रिलेशन बताने आएगा, तो जब रिलेशन बताएगा तो संपर्क होगा, क्योंकि बिना संपर्क के कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इससे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा ना बहुओ, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी हु विच डैट से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी वैसा ही आएगा। तो इट इज आई आहिया है हु, तो हु से पहले है आई, तो आई के लिए कभी इज नहीं आता है, क्या आता है एम आता है। अगर यही रहता इट इज आई न रह के इट इज यू, तो होता इट इज यू हु आर टू ब्लेम फॉर दिस सिचुएशन। इट इज आई का मतलब होता है मैं ही हूँ या तू ही है जो इस सिचुएशन के लिए ब्लेम किया जा सकता है, खराब सिचुएशन के लिए ब्लेम किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये था, क्वेश्चन ये था, मकसद ये है कि एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम इज सुपीरियर देन श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। तो ये तो बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा जिस शब्द का अंत आई ओ आर से हो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, न कि देन का प्रयोग। देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कंपैरिजन करते हैं आई एम बेटर देन यू, तो वहाँ ठीक है क्योंकि वहाँ आई ओ आर से रिलेट नहीं कर रहा है, बेटर में ई आर लिखा हुआ है। मगर जैसे कहेंगे आई एम सुपीरियर देन यू, यहाँ पर अगर हम लिख भी देते हैं आई एम सुपीरियर देन यू, तो देन यू कहना गलत है क्योंकि सुपीरियर के बाद आप टू का प्रयोग करते हैं, जबकि आप लिख सकते हैं आई एम बेटर देन यू, ये बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ। मगर सुपीरियर यानी कि आई ओ आर से अंत करे उसमें आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं टू का, तो यहाँ सुपीरियर देन नंबर वो यहाँ पर होना चाहिए टू। आई ओ आर से अंत करने वाला भी लिख देते हैं, इसमें आता है प्रायर आता है, एक्सटीरियर आता है, इंटीरियर आता है, जूनियर आता है, ये सब शब्द याद रखिएगा आई ओ आर से रिलेट करता है, और आई ओ आर से जो अंत करेगा उसमें बहु टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो से कुछ भी आपको फायदा हुआ होगा, यानी 10 क्वेश्चन से 10 कॉन्सेप्ट का अगर फायदा हुआ होगा आप लोग को, अगर एग्जाम से पहले अगर इसका 1% आ जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और इसको इतना शेयर करिए कि हर विद्यार्थी के पास ये पहुँच जाए, हर विद्यार्थी समझ सके, और एक एक जो जमीनी स्तर है उसको उठाकर रेस में ले जाना मेरा मकसद है, हर स्टूडेंट को रेस में ले जाना है। तो याद रखिएगा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझाया गया है, उम्मीद है सारा बात समझ में आ गया होगा। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।